हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की वीडियो है आपकी क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम ऑलरेडी हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारी विजिट कीजिए, वहाँ से आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। या फिर वैसे भी आप डालोगे कि मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रगति क्लासेस साथ में अगर लिखोगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी साथ के साथ। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम हमारी वीडियो में उस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें सारे क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे इस टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप डेफिनेटली देखना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन के 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट डाउन करके रखिए और या फिर आप स्क्रीनशॉट कुछ भी लेकर रखिए, ताकि एग्जाम से पहले भी और अभी भी आप इसे 102 बार रिवाइज कर लो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें 2 नंबर बताने हैं जिसको अगर हम सम करेंगे तो 27 आएगा और प्रोडक्ट करने के बाद 182 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक नंबर को मान लीजिए x, और क्योंकि दोनों का सम 27 है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो आपका दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 182। तो x और 27 माइनस x दोनों को मल्टीप्लाई में हमने रखा और इज इक्वल टू 182। और इस इक्वेशन से हमारा मतलब निकल कर आया कि इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो है 14 और 13। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन अराइज हो जाती है कि 14 रखने के बाद जो सेकंड नंबर है वो 13 आएगा और 13 रखने के बाद सेकंड नंबर 14 आएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो कोई और नहीं बल्कि 13 एंड 14 है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। तो फर्स्टली हमें पता है कि जो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। तो इट मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं तो सेकंड नंबर अपने आप ही x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि दोनों के जो स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना निकल कर आएगा, 365। यहाँ पर जो आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया a प्लस b के होल स्क्वायर का। और इस तरीके से इस फॉर्मूले के यूज़ करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आती है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। बट यहाँ पर हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये जो तीनों है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों हम क्या करेंगे, तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे और इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने डिवाइड किया इक्वेशन को बाई 2 से, जिससे हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। और इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारी एक्स की 2 वैल्यू आ जाती है, एक तो आपकी 13 और दूसरी आपकी माइनस 14। बट कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो माइनस की वैल्यू होती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, और जो आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है उसी से हमारा जो फर्स्ट नंबर आ गया वो 13 और जो हमारा सेकेंड नंबर हो गया, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो 13 प्लस 1 इज 14। अगर इसको आपको ट्राई करना है तो इस तरीके से आप ट्राई भी कर सकते हो कि दोनों को स्क्वायर को अगर आप सम करोगे तो आपका 365 आ जाएगा, जिससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और इसमें हमें कंफर्म हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 ईयर से एक एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीटली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी बिना डिजिट चेंज किए हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे इन लोगों ने सिचुएशन में कहा है तो उस तरीके से हम लिखेंगे। इन्होंने कहा कि हमने क्या कर लिया, जो ट्राइंगल का बेस है उसको हम मान लेते हैं एक सेंटीमीटर। इन्होंने एल्टीट्यूड के बारे में क्या कहा था कि वो आपका 7 सेंटीमीटर लेस है बेस के, तो इट मीन्स हमारा जो एल्टीट्यूड आ गया वो आ गया एक्स माइनस 7। और उसके बाद हाइपोटेनियस के बारे में इन्होंने ऑलरेडी बता रखा था कि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे आपको राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में दिखता है, आपको चुपचाप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो उसी हमने पाइथागोरस में वैल्यू को रख के और इसे हमारी एक इक्वेशन निकल कर आ जाती है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। इस इक्वेशन को भी फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल कर आती है माइनस 5 एंड 12। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो माइनस की वैल्यू होती है उसे हम नेगलेक्ट करते हैं, तो इट मींस जो हमारी वो जो साइड ऑफ ट्राइंगल है क्योंकि वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, तो इट मींस हम x की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, 12। तो इट मींस कि आपका जो बेस ऑफ ट्राइंगल है दैट इज 12, और एल्टीट्यूड वैसे भी उन्होंने कहा था कि बेस से माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस एक बार लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसे आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो जाने वाली है। ना क्वेश्चन मतलब कि आज जब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए बैठोगे ना तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आपको मिसकैलकुलेशन हो जाए, तो इससे बेटर है कि आप यहीं पे 2 से 3 बार कैलकुलेशन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके बारे में ज्यादा बारी बातचीत हुई है वो है हमारा शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड को हम मान लेते हैं एक्स मीटर और डायगोनल के बारे में इन्होंने कहा कि 6 मीटर मोर है तो इट मीन्स डायगोनल हो जाएगा एक्स प्लस 60, जबकि लॉन्गर साइड 30 मीटर्स मोर है तो इसलिए हो जाएगा वो हमारा एक्स प्लस 30. मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने इस चीज को सेट कर लिया फिर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको पता है यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका जो आपका डायगोनल का स्क्वायर है. तो यहाँ पर भी उस तरीके से हमने वैल्यू रख के जो इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. क्या जब भी आपको इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है फैक्टराइजेशन से क्या होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो जहाँ पर x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको पता है इक्वेशन में जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा दैट इज़ a, जो x का कॉफिशेंट होगा वो b और जो नॉर्मली a से डिजिट होगा वो c. तो उस सारी वैल्यू को हमने साथ में रखा है, तो यहाँ पर उसके बाद हम x की वैल्यू हम निकालेंगे. उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आपकी दो वैल्यू निकल कर आती है क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्लस माइनस दोनों यूज़ होता है. तो एक तो हमारी निकल कर वैल्यू आई है 90 और दूसरी आई है माइनस 30, क्योंकि कोई भी जो मतलब लेंथ हो सकता है रेक्टेंगल का वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 30 को इग्नोर करेंगे. बट इस बात को आपको लिखना ज़रूर है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको ये चीज़ पता है. उसके बाद हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्स की वैल्यू हमारी 90 है और उसके बाद फर्दर हम और वैल्यू भी अपने आप से निकाल सकते हैं कि जो आपकी लॉन्गर साइड हो गई वो 30 मोर थी तो इसलिए आपकी वो 120 हो गई. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन खत्म हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू डिस्टिंक्ट रूट. तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू बतानी है जहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है और साथ में उन्होंने कहा है कि उसकी जो वैल्यू रूट आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है. तो यहाँ पर जो हमें एक डी निकालने की वैल्यू होती है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई इस साइड में, तो डी इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमने उस चीज़ को वैल्यू में रख के हमारा जो डी की वैल्यू निकल कर आता है दैट इज़ 4 माइनस 4k. और कोई भी रियल और डिस्टिंक्ट जो रूट्स होते हैं तो उसमें जो डी होता है वो हमेशा 0 के ग्रेटर देन होता है. तो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी और उसके बाद जो k आ गया वो दैट इज लेस देन 1. नेक्स्ट हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 3. तो यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, तो आपको इन्होंने ऑलरेडी कहा है क्योंकि x माइनस बस उसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखिए, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो उसके बाद अगर इस तरीके से हम 1 की वैल्यू रखेंगे तो इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि क्या है इसका फैक्टर है, तो आप इक्वल टू में 0 रखिए और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, उससे जो होगी हमारी k की वैल्यू निकल कर आती है. और k की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है हमारी दो, एक तो आपकी है प्लस 3 और दूसरी है माइनस 1. तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम माइनस में कंसिडर नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी प्रैक्टिस तो आप 1 से 2 बार करके ही जाना. ए टेक्स 6 डेज लेस दैन द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. एक कोई काम है जिसको मतलब करने के लिए ए जो है बी जितना भी दिन लेता है उससे वो क्या करता है 6 दिन कम लेता है. ए बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज. अगर दोनों काम करते हैं तो 4 दिन में ही कर लेते हैं. फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क. तो यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि बी जो है उस काम को करने में कितना टाइम लेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या माना कि बी को जो है वो एक्स डे लेता है फिनिश किसी भी वर्क को करने में, तो ए कितने में देगा. क्यों वैसे भी उन्होंने कहा 6 डेज लेस देन लेगा तो एक्स माइनस 6 डेज. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हमने बी का लिखा क्योंकि बी अगर टोटल जो है एक्स डेज में करेगा तो उसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/x. उसी तरीके से बी का हो जाएगा 1/x-6 इज इक्वल टू, इन्होंने कहा कि 4 डेज में होगा तो 1 डे में तो 1/4 वर्क ही होगा. तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है उसको फर्दर सॉल्व करके, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारी जो एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक तो आती है हमारे पास 12 और एक्स की दूसरी वैल्यू है 2. बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दोनों वैल्यू जो प्लस में है तो हमने 2 को नेगलेक्ट किया क्यों, क्योंकि सिचुएशन में हमें ये बता रहा था
कि हमने एक को माना था x और दूसरे को माना था x माइनस सिक्स। अगर अगर हम टू में से माइनस सिक्स करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर माइनस में वर्क हो जाएगा जो कि माइनस में तो कोई काम करता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हम टू नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बी जो है वो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, 12 डेज में करेगा। अगर आपसे ए का भी पूछता तो ए कितना हो जाता आपका, एक्स माइनस सिक्स, इट मीन्स 12 माइनस 6, तो ए कितने दिनों में काम कर लेता, 6 डेज में वो काम को कम्प्लीट कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई द मेथड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर शो दैट इक्वेशन 4x² + 3x + 5 = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछते हैं कि आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के मेथड से इस इक्वेशन को, पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था 4x², तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है उसको हटाना होता है। तो अगर उस कोफिशिएंट को हटाना है तो एक्स स्क्वायर के क्या साथ, क्योंकि 4 लगाओ तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाती है x² + 3/4x + 5/4 = 0। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होता है, हमें स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट है आपका 3/4x। तो यहाँ पर जो हमने तोड़ कर देखा तो ये सिंपली हमें क्या दिख रहा था, 2 × 3/8x। तो यहाँ पर हमारे जो माइंड में चलते रहता है वो ये चलता रहता है कि x² + y² + 2xy। तो इससे क्या हुआ कि 3/8 का स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए, जबकि इस 5/4 को हम उस साइड लेकर माइनस में चला गया। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐड करोगे तो आपको दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा x + 3/8 का होल स्क्वायर और इधर आकर वैल्यू निकल जाती है -71/64। तो यहाँ पर से अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड आपका रूट चढ़ेगा, जिससे हमें क्या पता चल गया कि जो -17/64 है वो रियल नंबर तो है नहीं। तो इसलिए हमने ये बात शो कर दिया कि जो आपका क्यू है उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको करना ही करना है रिवीजन, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और फ्यूचर में जितनी वीडियो आएंगी मैथ से रिलेटेड वो सारी वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। और चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करोगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you.